स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएमई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मटेरियल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, बच्चों को परेशानी इसमें आती है, दैट इज़ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। जीवन में कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं जरा। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। अगर कार्बन परसेंटेज में वेरिएशन किया जाए और टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो उस पर आयरन की प्रॉपर्टीज पे उसका क्या इफेक्ट आता है, उसको दर्शाने वाला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। दिस डायग्राम इज मेनली यूज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन और स्टील के कौन कौन से फेजेज हैं उनको हम समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोथ स्टील एंड कास्ट आयरन आर एलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। स्टील और कास्ट आयरन दोनों ही आयरन और कार्बन के एलॉय हैं जिनमें अदर एलिमेंट्स के भी ट्रेसेस शामिल रहते हैं। आयरन के मुख्य रूप से तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, मेनली देर आर थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ आयरन। ये आपको लिखना है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में। पहला है अल्फा आयरन, अभी डायग्राम में दिखेगा आपको। दूसरा डेल्टा आयरन, तीसरा है आपका गामा आयरन। तो आप देख सकते हैं अल्फा आयरन का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है कहाँ पर, 908 डिग्री टेम्परेचर जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसके नीचे आपको अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा आयरन को हम फेराइट भी बोलते हैं। और गामा आयरन जो ऑस्टेनाइट वाला आपको दिख रहा है वहाँ पे गामा आयरन बना हुआ है, गामा आयरन का क्षेत्र है, दिस इज गामा आयरन, ये वाला क्षेत्र आपको बना हुआ है। और डेल्टा आयरन सबसे ऊपर है, ये दिख रहा है आपको डेल्टा आयरन, वो ट्रायंगल जो आपको नजर आ रहा है JDI वाला ट्रायंगल, वहाँ पे डेल्टा आयरन है। ठीक है, तो इस ये पूरे डायग्राम आप देख पाएँ कि अल्फा आयरन कहाँ पे है। यूटेक्टोइट जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है सी, यूटेक्टिक पॉइंट आपको नजर आ रहा है बी, और जो डी पॉइंट एम पॉइंट है हमारा, एम पॉइंट को हम बोलते हैं पेरीटेक्टिक पॉइंट, राइट। और आप तापमान देख सकते हैं 1539, 1390, 908, 723 डिग्री तापमान है आपको। नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन दिख रहा है, ये परसेंट ऑफ कार्बन है हमारा। कार्बन यहाँ से जब तक कार्बन 2% रह रहा है तब तक वो स्टील कहलाता है, दो से ज़्यादा कार्बन हो जाता है तो उसे कास्ट आयरन कहते हैं। और मैक्सिमम कहाँ तक गया इसमें कार्बन का परसेंटेज 6.67%, वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इससे हम आगे समझने वाले हैं, आगे की स्लाइड पर जाते हैं। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में पहला फॉर्म है अल्फा आयरन। इट एग्जिस्ट बिलो द टेम्परेचर ऑफ 908 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा 908 डिग्री सेल्सियस से कम पर है, कहीं कहीं बुक में 911 912 लिखा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल एंड सॉफ्ट मेटल। ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल क्यों है, क्योंकि कम तापमान पर अस्तित्व रखता है इसलिए। इट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रहता है। जिन बच्चों ने 12th क्लास की सॉलिड केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा हुआ है वो जानते हैं अच्छी तरह से कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है। इट इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तीन तरह की होती हैं, डाई मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। डाई मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, दूसरा होते हैं फेरो मैग्नेटिक जिनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, और पैरा मैग्नेटिक जिनमें थोड़ी सी होती हैं। अर्लियर द पैरा मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ अल्फा आयरन वाज नोन एज बीटा आयरन। इसका जो पैरा मैग्नेटिक फॉर्म था उसे पहले बीटा आयरन बोलते थे, लेकिन अब बीटा आयरन शब्द को हटा दिया गया है, साइंस से ऑब्सोल्यूट हो गया है वो। However, this term beta iron has become obsolete. Maximum solubility of carbon in alpha iron is 0.8%. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि maximum जो solubility है वो 0.8% है। It is also known as ferrite. क्या alpha iron को भी ferrite बोलते हैं। Main constituent of mild steel is alpha iron. जो mild steel का मुख्य अवयव है वो alpha iron है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से डायग्राम में कि ferrite जो है वो पॉइंट सी तक है, और उसमें कार्बन का परसेंटेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको नीचे दिख रहा है कितना है, 0.8% है। दूसरा फॉर्म है गामा आयरन, ऑस्टेनाइट। इट एग्जिस्ट इन द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 723 डिग्री सेल्सियस टू 1493 डिग्री सेल्सियस, बहुत वाइड रेंज है इसकी। इट हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर FCC है, और अल्फा आयरन का कैसा है, BCC है। इट इज नॉन मैग्नेटिक एलोट्रॉप, मतलब ये डाई मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। इन सम स्टेनलेस स्टील गामा आयरन इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूट। स्टेनलेस स्टील में ये पाया जाता है। गामा आयरन इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ये सॉफ्ट भी है और डक्टाइल भी है। एंड इट इज़ कैपेबल टू होल्ड अप टू 2% कार्बन इन सॉल्यूशन। इसमें 2% कार्बन हो सकता है सॉल्यूशन में, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ई पॉइंट जो आया है आपका वो 2% पर आ गया है, और वो ऑस्टेनाइट के क्षेत्र में ही है ई पॉइंट। फिर से उसी स्लाइड पर पहुँच रहे हैं हम। ऑल द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ आयरन आर परफॉर्म विद गामा आयरन। जितनी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं आयरन की, वो सभी की सभी गामा आयरन के साथ में होती हैं। मैग्नीज एंड निकल आर यूज एज एलोइंग एलिमेंट्स टू स्टेबलाइज द ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर।
हम मैंगनीज और निकल मिलाते हैं किसमें, स्टील में मिलाते हैं ताकि ये स्टेबलाइज कर दे किसको, गामा आयरन को, विच फैसिलिटेट्स हीट ट्रीटमेंट ऑफ लो एलॉय स्टील्स, ताकि लो जो एलॉय स्टील्स हैं उनका हीट ट्रीटमेंट आसानी से हो जाए। तीसरा है डेल्टा आयरन, डेल्टा आयरन का नाम डेल्टा फेराइट भी है, अल्फा आयरन का नाम फेराइट है, इसका नाम डेल्टा फेराइट है। दिस फेज ऑल्सो हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर फिर से BCC है, तो आप ध्यान रखना है अल्फा आयरन का BCC है, गामा का FCC है और इसका फिर से BCC है डेल्टा का। सिंस इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर सो इट इज़ नॉट स्टेबल फेज, उच्च तापमान पर इसका एग्जिस्टेंस है इसलिए स्टेबल फेज नहीं है ये। दिस फेज कैन बी सीन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन द डायग्राम, आपने अभी डायग्राम में देखा था, इट हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक बार फिर से आएगा डायग्राम, आप देख पाएंगे वहाँ पे। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन डेल्टा आयरन इज 0.08% बाई मास इन सॉलिड सोल्यूशन। डेल्टा आयरन इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा फेराइट बिकॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एट हाई एयर टेम्परेचर इट इज नॉट ऑफ मच यूज। एक बार पुनः आपको लेकर जाते हैं डायग्राम में, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा आयरन काफ़ी उच्च तापमान पर अस्तित्व रख रहा है और जो एम पॉइंट है आपका वहाँ तक इसका अस्तित्व आया हुआ है मुख्य रूप से। इसमें कार्बन परसेंटेज अल्फा आयरन की तुलना में और गामा आयरन की तुलना में कम है। अदर साइलेंट फीचर्स ऑफ आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम आर एज फॉलोस। अब कर्व को देखना है हमें, कर्व IABK इज नोन एज लिक्विडस, एवरी फेज अबव दिस कर्व इज इन लिक्विड स्टेट। IABK सबसे ऊपर वाला कर्व जो दिख रहा है आपको IABK, इसको हम बोलते हैं लिक्विडस, इस कर्व को लिक्विडस कहते हैं हम। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं IABK, ये लिक्विडस कर्व कहलाता है। इसके ऊपर जो भी कुछ है वो किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब हम बात करते हैं इसकी DMEBL, ये कहलाता है हमारा सॉलिडस, इसके नीचे जो भी कुछ होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लिक्विड और सॉलिड दोनों का अस्तित्व होगा, ये लिखा हुआ है कर्व DEBL इज नोन एज सॉलिडस, एवरी फेज अंडर दिस कर्व इज इन सॉलिड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन इज 1539 डिग्री सेल्सियस एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद कार्बन परसेंटेज। आप देख पा रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ये लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में सारी चीज़ें वो हाईएस्ट कितने 1537, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है ये कम होता चला जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट, और बी पर मिनिमम हो गया है, कितना हो गया 1130 डिग्री सेल्सियस, और बी पर कार्बन का परसेंटेज कितना है आप ओरिजेंटल में देख पा रहे हैं 4.3, डॉटेड लाइन से नीचे आएंगे तो। और जैसे ही कार्बन परसेंटेज 4.3 से आगे होता है तो मेल्टिंग पॉइंट पुनः बढ़ने लग जाता है और ये 1550 डिग्री सेल्सियस हो जाता है के पॉइंट पर, जब इसमें कार्बन है 6.67%। अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। आयरन हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1130 डिग्री सेल्सियस, अभी देखा हमने कब था वो, जब उसमें कार्बन का परसेंटेज 4.3% है, व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 4.3%। ऑन फर्दर इंक्रीज इन कार्बन परसेंट मेल्टिंग पॉइंट अगेन राइजेस एंड इट बिकम्स मैक्सिमम 1550 डिग्री सेल्सियस व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6.67%। और जब कार्बन का परसेंट 6.67% होता है आयरन में, उसे हम बोलते हैं सीमेंटाइट, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट अधिकतम होता है 1550 डिग्री सेल्सियस। आयरन कंटेनिंग 6.67% कार्बन इज नोन एज सीमेंटाइट, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है और कार्बन इसमें आप इसे छुएंगे तो आपका हाथ काला हो जाएगा, ग्रिप मतलब कार्बन फ्लेक्स के रूप में मौजूद रहता है, यहाँ पे पपड़ी के रूप में मौजूद रहता है। पॉइंट सी इज नोन एज यू टेक्टोइड पॉइंट, यू टेक्टोइड रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। पॉइंट सी एक बार आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा, पॉइंट सी आपको कहाँ दिख रहा है, पॉइंट सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है पॉइंट सी, इसे बोलते हैं यू टेक्टोइड पॉइंट, एक बार देख लीजिए। और पॉइंट बी को हम बोलते हैं यू टेक्टिक पॉइंट, और पॉइंट जो एम नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं पेरीटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट बी के ऊपर क्या है, लिक्विड, और पॉइंट बी के नीचे क्या है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ऐसे ही। पॉइंट सी के ऊपर क्या है, गामा आयरन, और पॉइंट सी के नीचे क्या है, यहाँ पे इसके नीचे है आपका फेराइट और सीमेंटाइट। तो पॉइंट सी जो है उसे हम बोलते हैं यू टेक्टोइड पॉइंट। तो यू टेक्टोइड रिएक्शन क्या है, ये यू टेक्टोइड रिएक्शन है, ये थ्री फेज रिएक्शन, तीन फेज मौजूद रहते हैं इसमें, इन विच ए सॉलिड ऑन कूलिंग ट्रांसफॉर्म इंटू टू अदर सॉलिड फेज एट द सेम टाइम। इसमें एक सॉलिड को कूल करने पर अदर टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप डायग्राम में सी पॉइंट पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, देन गामा आयरन, पॉइंट सी से ऊपर है गामा आयरन, उसके नीचे जो है वो है अल्फा प्लस सीमेंटाइट, देन गामा आयरन कंटेनिंग 0.8% कार्बन, 0.8% क्या हुआ, हम पॉइंट सी पर पहुँच गए, इज कूल्ड बिलो द टेम्परेचर ऑफ 723 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू अल्फा आयरन एंड सीमेंटाइट। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम गामा आयरन को 723 डिग्री पे 0.8% कार्बन के साथ ठंडा करेंगे
तो वो अल्फा प्लस सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि जब अल्फा प्लस सीमेंटाइट को 730 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे, जब उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.8% होगा, तो वो गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट की लाइन आप देख पा रहे हैं, दिस मिक्सचर ऑफ अल्फा आयरन एंड सीमेंटाइट इज नोन एज पियरलाइट। अल्फा आयरन और सीमेंटाइट के इस मिश्रण को हम बोलते हैं पियरलाइट। अगली रिएक्शन आपकी यूटेक्टिक रिएक्शन, अभी हमने आपको दिखाई यूटेक्टिक रिएक्शन जहाँ से लिक्विडस लाइन आप देख पा रहे थे। इट इज ए थ्री फेज रिएक्शन इन विच ए लिक्विड ऑन कूलिंग ट्रांसफॉर्म इंटू टू सॉलिड फेज एट द सेम टाइम। यूटेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था, सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यूटेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, एक लिक्विड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग करने पर। इट इज ए फेज रिएक्शन वेयर लिक्विड कंटेनिंग 4.3% कार्बन वैन कूल्ड बिलो 1130 डिग्री सेल्सियस देन इट कन्वर्ट्स इंटू ए मिक्सर ऑफ गामा आयरन एंड सीमेंटाइट। अगर हम लिक्विड को जब उसमें कार्बन का परसेंटेज 4.3% हो 1130 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करते हैं, तो वो गामा आयरन और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। गामा आयरन और सीमेंटाइट के इस मिश्रण को हम बोलते हैं लेडेब्यूराइट। आप लास्ट की लाइन में देख पा रहे हैं, दिस मिक्सर इज नोन एज लेडेब्यूराइट। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर गामा प्लस सीमेंटाइट को हम गर्म करेंगे 1130 से ऊपर, तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं 9th पॉइंट की तरफ, पेरीटेक्टिक रिएक्शन। ये पॉइंट हमने आपको बताया था, डी पॉइंट था। इट इज ए रिएक्शन इन विच इज सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज रिएक्ट टुगेदर। यहाँ एक सॉलिड और लिक्विड फेज साथ साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ए सेकेंड सॉलिड फेज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। इन दिस रिएक्शन, वहाँ पे आप पॉइंट डी पे देखेंगे, डेल्टा आयरन एंड लिक्विड फेज कंटेनिंग 0.18% कार्बन इज कूल्ड बिलो 1495 डिग्री सेल्सियस। अगर उन्हें ठंडा करें डेल्टा आयरन को कब, जब उसमें कार्बन का परसेंटेज हो 0.18 और 1495 डिग्री सेल्सियस नीचे ठंडा करें, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट, तो ये गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि डेल्टा प्लस लिक्विड 1495 डिग्री सेल्सियस, कार्बन है 0.18%, ठंडा किया गया तो बन गया गामा आयरन। एक बार पुनः आपको लेकर जाते हैं हम डी पर, तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे। यहाँ जो पॉइंट डी नहीं, पॉइंट एम है, पॉइंट एम जो है वो है आपका पेरीटेक्टिक पॉइंट। पॉइंट एम के ऊपर जो रहता है वो रहता है डेल्टा प्लस एल। ये जो तीर है ये कायदे से आना चाहिए था JDM में, डेल्टा प्लस गामा JDM में है। ये डायग्राम हमने बनाया था, तो तीर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जहाँ तीर लगा हुआ है उस जगह पर आना चाहिए डेल्टा प्लस एल, और एम के नीचे क्या है गामा, तो ये है पेरीटेक्टिक पॉइंट। और बी है यूटेक्टिक पॉइंट, बी के ऊपर क्या है लिक्विड और बी के नीचे क्या है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ये लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा होगा। और सी क्या है यूटेक्टिक पॉइंट, सी के ऊपर क्या है गामा और सी के नीचे रहता है फेराइट प्लस सीमेंटाइट। ये तीन पॉइंट आपको उसमें मेंशन करने होंगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में, और तीनों एलोट्रॉप की बात करनी होगी आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में। यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट और पेरीटेक्टिक पॉइंट या रिएक्शन, कुछ भी बोल दीजिए आप उनको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।